पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री का वो कौन सा नाम है जो पूजा भट्ट की अपकमिंग मूवी में अपनी आवाज लैंड करने जा रहा है? वो कौन सी पाकिस्तानी मूवीज हैं जिन्होंने रिसेंटली जीते हैं इंटरनेशनल अवार्ड्स? अब अली जफर नजर आएंगे किस बॉलीवुड मूवी में? रिसेंटली होने वाले फैशन वीक्स में कौन से सेलिब्रिटीज नजर आए हैं रैंप पर एज अ शो स्टॉपर? वो कौन सा हेयर स्टाइल ऑन है जो इन दिनों है इन फुल एक्शन? अगर आप जानना चाहते हैं इन सब सवालों के जवाब, तो आपको देखना होगी अपने शोबिज रिपोर्टिंग शो रिपोर्ट 360 की लेटेस्ट एपिसोड विद मी योर होस्ट अलीहा चौधरी। सो लेट्स स्टार्ट द शो विद टुडेज हेडलाइंस। वंस अगेन इन बॉलीवुड, इंटरनेशनल अचीवमेंट्स, भाई भाई, सेलिब्रिटी वॉक, टोनी एंड गाय। इट्स अ फैक्ट कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मुकाबले में बहुत बड़ी है, और वहाँ एक मंथ में जितनी मूवीज रिलीज होती हैं, पाकिस्तान में पूरे साल में भी इतनी मूवीज रिलीज नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद भी व्हेन इट कम्स टू प्लेबैक सिंगिंग, तो बॉलीवुड में पाकिस्तानी सिंगर्स को प्रेफर किया जाता है। अली असमत, जिन्होंने अपने सिंगिंग करियर का स्टार्ट जुपिटर बैंड से किया था, एंड देन ही जॉइन जुनून विद सलमान अहमद। It turned out to be the best rock band in the history of Pakistan. Junoon Band na sirf nationally balki internationally bhi hua bahut hi famous. Aur aaj bhi iske fans ki hai ek bahut badi tadad. But after giving many hit albums, Ali Azmat left Junoon and started his own solo career. As a solo singer bhi Ali Azmat rahe bahut hi successful. Unke famous song Garaj Baras ko Bollywood movie Paap mein kiya gaya use, jisko mila ek bahut hi positive response. गरज बरस सावन गिर आयो, 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 गरज बरस सावन गिर आयो। देखो कैसे अन्न जाने रस तो पे बरस कटा, आओ ले ले मत वाली मस्तानी रुत का मजा। गरज बरस सावन गिर आयो, आ भी जा मेरी जान, आ भी जा चाहे तू शहर दे या जीने की दुआ, कैसा ये सांसों से सांसों का, सुन तो ले दे सदा भीगी भीगी फजा। अब काफी अरसे के गैप के बाद अली अजमत एक बार फिर बॉलीवुड के लिए अपनी आवाज कर रहे हैं लैंड। इस दफा वो पूजा भट्ट की मूवी जिसम 2 के लिए रिकॉर्ड करवा रहे हैं 2 ट्रैक्स, और इस बारे में अली अजमत का कहना ये है, It feels good to work with friends. I have known Pooja and Munish Makhija, the new composer Akropurva Mukherjee is also promising. He has penned the lyrics and composed the tunes. Lekin hum aapko yahan pe ye bhi batate chale ki Ali Azmat ke songs Skype ke through record karwaye jayenge, as he is unable to get Indian visa, and he says, That's true. Getting a visa is an unreliable exercise. It's been 2 years since I didn't get a visa to India. Filling up countless forms, waiting in queues, and going through endless scrutiny procedures are so frustrating that I have stopped attempting to get a visa to India. Artists are sensitive creatures. Look at what happened to SRK in the US. It's humiliating. हमारा बॉलीवुड फिल्ममेकर से ये कहना है कि हमें खुशी होती है कि जब हमारे म्यूजिक टैलेंट को बॉलीवुड में किया जाता है यूज, बट दे मस्ट डू समथिंग अबाउट वीजा पॉलिसी टू अवॉइड अनप्लेजेंट इंसिडेंट्स, एंड वी विश अली अजमत अ वेरी गुड लक फॉर हिज अपकमिंग बॉलीवुड ट्रैक। पाकिस्तानी सिनेमा में पिछले कुछ अरसे में काफी बेहतरी आ गई है। अब एक के बाद एक यहाँ पर क्वालिटी फिल्म्स बनना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों ने ना सिर्फ सिनेमा जाना शुरू कर दिया है, बल्कि अब पाकिस्तानी मूवीज को इंटरनेशनली भी अप्रिशिएट किया जा रहा है, और बहुत से फिल्म फेस्टिवल्स में अब पाकिस्तानी मूवीज की स्क्रीनिंग के अलावा उन्हें अवार्ड्स भी मिलने शुरू हो गए हैं।
recently to Pakistani movies, won awards internationally. To know the details, let's watch this report. व्यूवर्स, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि कुछ रोज पहले शोएब मंसूर की मूवी बोल और सारा तरीन की अपकमिंग मूवी तमन्ना को लंदन एशियन फिल्म फेस्टिवल 2012 में डिफरेंट कैटेगरीज के लिए किया गया है नॉमिनेट। और अब खुशी की बात ये है कि नॉमिनेट होने वाली ये मूवीज अवार्ड जीतने में भी रही हैं कामयाब। शोएब मंसूर बोल वन 3 अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ द बेस्ट फिल्म, बेस्ट फीमेल एक्टर अवार्ड फॉर हुमायमा मलिक एंड बेस्ट न्यू टैलेंट फॉर अमर कश्मीरी। On the other hand, Pakistan music icon Rahat Fateh Ali Khan won the Best Music Talent in Film Awards for his song Koi Dil Mein from Tamanna. Koi dil mein aa raha hai dastak diye baghair. Koi dil mein aa raha hai dastak diye baghair. जा रहा है हमसे रुखसत लिए बगैर, कोई दिल में आ रहा है दस्तक दिए बगैर, कोई दिल में आ रहा है दस्तक दिए बगैर। Pakistani film set for release in September. Director Steve Moore and producer Sara Tareen received the award. Is mauke par Sara Tareen ne ye kaha, "We are delighted that our film has won this recognition. Rahat has won many awards, but it's the first time that he has won an award for a Pakistani film, which is an important milestone." After receiving the award, Humaima Malik said that winning the Best Actor award was a fabulous moment for her, and the fact that the film was nominated in 7 categories. हमारे माशरे में बहुत सारी बुराइयां सिर्फ इसीलिए खत्म नहीं हो रही क्योंकि हम बोलते नहीं। क्या बात है, मैं वाकई मार दूंगी तुझे, हजार में छोड़ेंगे। मैं तुम्हें लेके जाऊंगा इधर। ना कोई किसी के बाप का नाम पूछता है, ना ही किसी को पता होता है। हमने कंजरों के घर जाना शुरू किए हैं, कंजर हो नहीं गए हैं। क्या मुंह लेके जाएंगे खुदा के पास? बहुत मजहबी घराने की बापरदा लड़की, बहुत पैसा होता है लोगों के पास, इनका मुंह नोटों से बंद करना पड़ेगा। वो मैंने सोच लिया, वो इस मुल्क के प्रेसिडेंट। और आपको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की नींद की फिक्र है? हम तो समझते हैं तवायफ हो तो लखनऊ, इंसान पैदा किए हमने, दवाइयों की बोतलें नहीं। हमने दुआओं को पता नहीं क्या समझ लिया है। Producer Fatma Khan, while accepting the Best Film Award, dedicated the award to the youth of Pakistan. She said, "Pakistani youth were hard working to promote the positive image of Pakistan." Festival director Dr. Pushpinder ne apne opening address mein kaha ke the organizers wanted to focus on Pakistani film talent this year, as it is too often overlooked. She said, "We are proud to have provided a platform for the amazing talent that comes out of Pakistan, and we're delighted that Pakistani talent is making its mark in a big way." Other than Bol and Tamanna, our short film competition winner was Sami Khan, a British Pakistani. So we are happy to have a good representation of Pakistani talent in this year's London Asian Film Festival. Well, hum is mauke par tamam award winners ko congratulate karte hain aur ye hope karte hain ki future mein bhi Pakistani movies isi tarah international awards jeetne mein rahe successful. There is still a lot more on this show, but after a short commercial break. Don't go anywhere because you're watching Report 360. Report 360, non-stop showbiz infotainment.